शिवपुरी जिले के नरवर में जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करने वाले भुजबल कुशवाहा की क्लिनिक को सील किया है। वहीं दूसरी ओर बालाजी पैथोलॉजी के नाम से संचालित लैब भी सील की गई है। पूरा मामला कुछ इस तरह सामने आया है कि नरवर में रहने वाला सुनील भारती बीमारी के चलते भुजबल कुशवाहा की दुकान पर इलाज कराने गया था, लेकिन डॉक्टर बनकर इलाज करने वाले भुजबल कुशवाहा ने मरीज को इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ा समय बीतने के बाद पीड़ित मरीज सुनील की हालत और बिगड़ी। नरवर स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के बाद परिजनों ने शिवपुरी मेडिकल में भर्ती कराकर जनसुनवाई में भुजबल कुशवाहा के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की। शिकायत के बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषिश्वर ने टीम को जांच के लिए नरवर रवाना किया। टीम ने संचालित क्लिनिकों की जांच की, जिसमें भुजबल कुशवाहा के पास क्लिनिक संचालित करने के दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही बीमार मरीजों के खून की जांच करने वाली बाला पैथोलॉजी लैब पर दस्तावेजों की जांच की गई, तो वहां भी दस्तावेज नहीं मिले। टीम के द्वारा दोनों दुकानों को मौके पर सील कर कार्यवाही की गई। नगर में जांच करने वाली टीम की जानकारी मिलते ही अवैध तरीके से बीमारी का इलाज और बीमारी की जांच करने वाले अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जनसुनवाई में उसने शिकायत की थी, तो CMHO सर के द्वारा जिला स्तरीय टीम गठित की और उज्ज्वल कुशवाहा बताए गए थे कि वो अपनी क्लिनिक का संचालन करते हैं, तो उन किसी को इंजेक्शन लगाया था, उसको कुछ पैरालिसिस या कुछ हुआ है, तो जिसका मेडिकल परीक्षण भी हो रहा है अभी जिला स्तर पर, और यहाँ हमारी टीम बना के हमें भेजा, तो हमने उनकी क्लिनिक पे उनके दस्तावेज देखे, तो ना तो डिग्री थी ना उन पे कोई रजिस्ट्रेशन था, तो उनकी क्लिनिक को सील कर दिया है। अच्छा, एक ही दुकान सील की है या और भी? और एक पैथोलॉजी है, बालाजी पैथोलॉजी, उसको भी सील किया, उस पे भी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि शिवपुरी CMHO साहब द्वारा नरवर में कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और एक किसी झोला छाप अवैध फर्जी क्लिनिक जो संचालित हो रहा था, डॉक्टर भुजबल कुशवाहा नाम बता रहे हैं उसका, और दुहाई पर कोई बालाजी पैथोलॉजी है, उसको सील्ड किया है। तो शिवपुरी CMHO साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने जो अच्छी कार्रवाई की है, और उनसे इतना निवेदन और करना चाहूँगा कि सर इसकी शिकायत हुई है, उस टीम ने आकर उसको पैथोलॉजी को और क्लिनिक को संचालित जो हो रही थी अवैध तरीके उसको सील्ड कर दिया। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी में, मैं जनप्रतिनिधि हूं, क्या नरवर में कम से कम 3 दर्जन अवैध फर्जी क्लिनिक झोला छाप डॉक्टरों के संचालित हो रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी सूचनाएं मिली है कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और जितनी भी पैथोलॉजी है उनकी जो डिग्री रहती है DMLT की, BMLT की, उसके बिना अगर कोई कार्य कर रहा है तो सबकी जांच होकर जो वैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनको चलने देना चाहिए, जनता की सेवा कर रहे हैं, और जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है ना डिग्री है, फर्जी हैं, जैसा अभी ये भुजबल कुशवाहा के द्वारा बताया गया, इसके द्वारा ना इस पर डिग्री थी ना रजिस्ट्रेशन था, तो सभी की डिग्रियां चेक होना चाहिए, सभी के रजिस्ट्रेशन चेक होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति इन लोगों का शिकार ना बने, और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हॉस्पिटल के उनके द्वारा भी कभी कभी भ्रमण होना। कौन से डॉक्टर ने इलाज किया? मेरी नरवर के कन्याशाला स्कूल के सामने भुजबल कुशवाहा की दुकान है, तो उस पे मैं दवा लेने गया था, मेरे थोड़ा फीवर था, उसकी दवा लेने गया था, तो मैं उन्होंने मेरे कमर में 2 इंजेक्शन मिला के मेरी कमर में लगा दिए और 2-3 खुराकें उन्होंने मुझे दे दी। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मेरे 1-1.5 घंटे के बाद मेरी जो जान का पूरा मांस फट रहा था जोर जोर से। हाँ, फिर तो मैं उसके बाद उसके पास पहुंचा, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे यहाँ देखो जी क्या हो रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं है कुछ नहीं है, चलो सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं वहां पे इलाज करवाते हैं तुम्हारा, इंजेक्शन से गड़बड़ तो गलती तो हो गई मुझसे, ऐसे तुम कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा और तुम चलो तुम वहां पहुंचे। हम तो वो डॉक्टर साहब बोले कि आवेदन बनवाओ, मुझे हाथ जोड़ के वहां खड़े हो गए, तो मैं बोला मैंने चलो साहब कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहे हैं इलाज करवाए तो मैंने इलाज करवा दू, करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पे आवेदन नहीं बनवाया उन्होंने। डॉक्टर साहब ने मेरे लिए दवाई लिख दी 2-3 दिन की, वो 2-3 दिन की दवाई खाके मैं आ गया घर पे लेके दवाई घर से आ गए। इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद मेरी जो कमर में दर्द इतना है, कमर में और पैर में
मतलब मैं 7 दिन तक तो मैं सोया नहीं हूँ, इतना दर्द है मेरे। नहीं, इसके बाद फिर आपने इलाज कहाँ पे कराया? इलाज इसके बाद फिर मैं सीप्री मेडिकल पे कराया। फिर क्या हुआ वहाँ? मेडिकल पे बोले मेरे से पहले MRI कराओ, MRI कराने से सब कुछ पता चलेगा। अच्छा, तो फिर आपने और कहीं शिकायत की इसकी? मैंने फिर MRI कराने के बाद मैं अपने कलेक्टर साहब के यहाँ और SP साहब के यहाँ सीपी। अच्छा, दोनों जगह शिकायत की है? शिकायत की, फिर मैंने यहाँ अपने नरवर में भी शिकायत की। अच्छा, आपको अभी तक कोई मदद की गई है डॉक्टर के द्वारा या प्रशासन के द्वारा? मेरे लिए कोई मदद नहीं मिली और मैं मजदूर आदमी था, मेरे पीछे 4 बाल बच्चे हैं और मैं अभी बाजार से ला रहा हूँ अपने लिए राशन पानी, तो उधार ही हो रहा है मेरे पास और मैं काम धंधे से बिल्कुल बैठा हूँ, मेरे पैर के बाहर कुछ हो ही नहीं रहा मेरे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।